Good morning, students. In our previous video, we have learnt about this chapter, The Giving Tree. Students, हमने इसका पेज नंबर 137 रीड कर लिया था. ये एक छोटे लड़के की स्टोरी है जो ट्री की कंपनी बहुत पसंद करता है. आइए अब हम इसका नेक्स्ट पेज यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. ट्री पेड़ ऑफन प्रायः अलोन अकेला. जो ट्री था वो ज़्यादातर अकेला रहता था. आफ्टर सम ईयर्स आफ्टर बाद में सम कुछ ईयर्स सालों कुछ सालों के बाद. वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. वन डे एक दिन बॉय लड़का केम आया ट्री पेड़ हैप्पी खुश. एक दिन लड़का ट्री के पास आया और तब ट्री बहुत खुश था. ट्री कम माई बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस. कम आना माई बॉय मेरे लड़के क्लाइंब अप चढ़ना ट्रंक तना स्विंग झूलना ब्रांचेस शाखाएं. तो ट्री कहने लगा आओ मेरे लड़के आओ और मेरे तने के ऊपर चढ़ जाओ और मेरी शाखाओं से झूलो. बॉय आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले. लड़का कहता है आई एम टू बिग. टू बिग होता है बड़ा. मैं अब बड़ा हो गया हूँ टू क्लाइंब एंड प्ले. क्लाइंब होता है चढ़ना प्ले खेलना. मतलब पहले वो बहुत छोटा था तब वो जल्दी से ट्री के ऊपर चढ़ के क्लाइंब कर चढ़ जाता था और खेलता था और शाखाओं से झूलता था. लेकिन अब लड़का कहता है कि मैं अब थोड़ा बड़ा हो गया हूँ खेलने के लिए और इसके ऊपर चढ़ने के लिए. आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन. वॉन्ट चाहना बाई खरीदना थिंग्स चीज़ें हैव फन मज़े करना. तो लड़का कहता है अब मैं चीज़ें खरीदना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ क्योंकि उसको अब पेड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा था. तो उसको मतलब पैसा चाहिए था जिससे वो चीज़ें खरीद सके और मज़े कर सके. आई वॉन्ट सम मनी. मनी पैसा. वॉन्ट चाहना मैं कुछ पैसा चाहता हूँ. कैन यू गिव मी सम मनी. गिव देना सम कुछ मनी पैसा. क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकते हो. ट्री आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. ट्री कहने लगा आई एम सॉरी मुझे माफ़ करो बट परंतु आई हैव नो मनी मेरे पास कोई पैसा नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स. लीव्स पत्तियाँ एप्पल्स सेब. तो अब ट्री कहने लगा मुझे माफ़ कर दो परंतु मेरे पास पैसे नहीं हैं. मेरे पास सिर्फ पत्तियाँ और सेब हैं. यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट. यू कैन प्लक माई एप्पल. प्लक होता है तोड़ना. यू कैन तुम कर सकते हो. तो सेल होता है बेचना मार्केट बाजार. तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो और उनको बाजार में बेच सकते हो. देन यू विल हैव मनी. मनी पैसा. तब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा. नरेटर द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे. नरेटर वक्ता हैप्पीली खुशी खुशी प्लक्ड तोड़ा गया एप्पल्स सेब कैरिड देम अवे दूर ले गया. अब बॉय जो था उसने बहुत ही खुशी खुशी एप्पल्स तोड़े और उनको ले गया. द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी. ऑल्सो भी हैप्पी खुश. अब जो ट्री था वो भी बहुत खुश था. बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड. बॉय लड़का स्टेड अवे दूर रहना लॉन्ग टाइम लंबा समय सैड उदास. परंतु जो लड़का था वो दूर चला गया था लंबे समय के लिए दूर रहने के लिए चला गया था और जो ट्री था वो बहुत ही उदास हो गया था. वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विथ जॉय. वन डे एक दिन केम बैक आना वापस आना शूक झूमना जॉय खुशी. तो एक दिन क्या हुआ वो लड़का वापस आया और जो ट्री था वो खुशी में झूमने लगा. तो स्टूडेंट्स
ये हमने आज पेज नंबर 138 रीड कर लिया है। तो देखिए कैसे कैसे समय चेंज होता है और जो लड़का है उसकी प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती हैं। पहले वो झूल के ट्री के साथ खेल के खुश था, अब वो पैसा चाहता था, अब उसको पैसा चाहिए था खुश रहने के लिए। तो आपने भी ये पेज रीड करना है, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स की स्पेलिंग्स रीड करनी है विद मीनिंग एंड सिनोनियम, जो मैंने आपको ऑलरेडी सेंड किया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।